नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप? आपका स्वागत करता हूँ आपकी अपने चंदन ड्रीमर्स पर। दोस्तों, आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले ड्रीमर्स को, और बेल आइकन को प्रेस कर ले जिससे कि आपके पास सारे नोटिफिकेशन आते रहे। दोस्तों, आज मैं 22 नवम्बर एक करंट अफेयर लेके आया हूँ जो कि आज की करंट अफेयर है। तो इससे पहले कि जो भी करंट अफेयर है दोस्तों, वो मैं अपलोड पहले ही कर चुका हूँ, आप जाके प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। उसका जो लिंक होगा प्लेलिस्ट का, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप जाके चेक कर सकते हैं दोस्तों। और दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे प्लीज इस वीडियो को लाइक करे, कमेंट करे और दोस्तों के साथ शेयर करे। और दोस्तों, आपसे एक विनती और है, साथ के साथ अपने नोट्स बना ले जिससे कि आपके आने वाले एग्जाम्स में आपके लिए बेनिफिट हो उन नोट्स का। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं वीडियो को विदाउट वेस्टिंग टाइम। पहले क्वेश्चन से पहले से पहले दोस्तों, एक एक कोट पढ़ लेते हैं जो कि एमिनम की है। सक्सेस इज माई ओनली ऑप्शन, फेलियर नोट। यानी कि इनका मतलब यह है कि एमिनम एक बहुत बड़े रैपर है, इंग्लिश इंग्लिश रैपर। तो दोस्तों, इन्होंने शुरुआती जिंदगी में अपने बहुत ही परेशानियां झेली है। तो ये बोल रहे हैं कि सक्सेस इज माई ओनली ऑप्शन, लेकिन बोल रहे हैं कि सफलता ही एक रास्ता है। फेलियर्स नोट, यानी कि जो फेल्स होते हैं वो रास्ता नहीं है, केवल सक्सेस ही रास्ता है जिससे हम आगे बढ़ सकते हैं अपनी लाइफ में। चलते हैं दोस्तों, शुरुआत करते हैं वीडियो के साथ क्वेश्चन नंबर एक। चलते दोस्तों, दोस्तों इसमें एमसीक्यू क्वेश्चन, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन होंगे, उसके साथ आपका आपको डिस्क्रिप्शन भी मिलेगा। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर वन से। निम्न में से किस ग्रुप ने जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइज लिमिटेड, इसका याद रखेंगे दोस्तों, जी ये वाला है, JEE, एंटरटेनमेंट एंटरप्राइज लिमिटेड में प्रमोटर की 16.5% हिस्सेदारी बेचने की घोषणा की है। किस ग्रुप ने की है दोस्तों? ऑप्शन नंबर एक बैंक ऑफ इंडिया ग्रुप, ऑप्शन नंबर बी HDFC ग्रुप, ऑप्शन नंबर सी ICICI ग्रुप, या फिर ऑप्शन नंबर डी एसिल ग्रुप। तो दोस्तों, जिसका सही आंसर है आपको नीचे मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, एसिल ग्रुप, यानी कि गैस का आंसर सही होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आखिरी वाला। तो दोस्तों, एक बार इसके बारे में पढ़ लेते हैं। एसिल ग्रुप ने हाल ही में जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइज लिमिटेड में प्रमोटर की 16.5% हिस्सेदारी बेचने की घोषणा की है दोस्तों, जिसमें से कुछ हिस्सेदारी कुछ वित्तीय निवेशकों को बेची जाएगी, और इसके बाद कंपनी की प्रमोटर की हिस्सेदारी करीब 6% के आसपास रह जाएगी। तो दोस्तों, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आने वाले एग्जाम्स के लिए, आप ये याद रखेंगे, एसिल ग्रुप, ऐसे ग्रुप ने अपनी 16.5% हिस्सेदारी बेचने की घोषणा की है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर टू पे चलते हैं जो कि करंट अफेयर से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा राज्य क्रिकेटरों के साथ अनुबंध करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? ऑप्शन नंबर ए केरल, ऑप्शन नंबर बी गुजरात, ऑप्शन नंबर सी उत्तराखंड, या फिर ऑप्शन नंबर डी पंजाब। इनमें से कौन सा राज्य क्रिकेटरों के साथ अनुबंध करने वाला, अनुबंध मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो जिसका सही आंसर है दोस्तों, वो है ऑप्शन नंबर ग, यानी कि उत्तराखंड। उत्तराखंड पहला राज्य है बना है जो कि क्रिकेटरों के साथ अनुबंध करेगा, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट करेगा। तो इसमें क्या लिखा हुआ है एक बार पढ़ लेते हैं। उत्तराखंड राज्य क्रिकेटरों के साथ अनुबंध करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। उत्तराखंड क्रिकेट संघ की बैठक में उत्तराखंड के क्रिकेटरों का भविष्य बनाने का खाका खींचा गया है, यानी कि एक मैप बनाया गया है जिसके मुताबिक प्रथम श्रेणी क्रिकेट, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं दोस्तों अगर आपको चमक नहीं रहा है, जिसके मुताबिक प्रथम श्रेणी क्रिकेट खेल चुके खिलाड़ियों को नौकरी देने के साथ सालाना अनुबंध व स्कॉलरशिप देने की घोषणा की गई है। दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए। तो वो कौन सा राज्य है दोस्तों? उत्तराखंड, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही है, गय। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर थ्री पे चलते हैं। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के वैज्ञानिकों ने किस ग्रह के चांद यूरोपा की सतह के ऊपर जलवाष्प मौजूद होने की पुष्टि की है? ये किस ग्रह के किया है? ऑप्शन नंबर ए बुध, ऑप्शन नंबर बी मंगल, ऑप्शन नंबर सी शुक्र, या फिर ऑप्शन नंबर डी बृहस्पति। जिसका सही आंसर है दोस्तों, वो है ऑप्शन नंबर ग, यानी कि लास्ट वाला ऑप्शन बृहस्पति, ये वाला आपको आंसर नीचे दिख जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो दोस्तों, इस बृहस्पति ग्रह पर एक सतह है, यानी कि उसको क्या बोल रहे हैं, चांद यूरोपा, जिसकी सतह पर जलवाष्प मौजूद होने की पुष्टि की गई है। एक बार पढ़ लेते हैं इसको डिस्क्रिप्शन से। अमेरिकी एजेंसी नासा के वैज्ञानिकों ने बृहस्पति ग्रह चांद यूरोपा की सतह के ऊपर जलवाष्प मौजूद होने की पुष्टि की है।
नासा के मुताबिक बृहस्पति के चांद की मीलों मोटी बर्फ की परत के नीचे पानी की तरल अवस्था में महासागर मौजूद है। तो दोस्तों, ये नासा ने पुष्टि की है कि जो बृहस्पति ग्रह है उसकी जो चांदी रूप की सतह है उसके नीचे मीलों मोटी बर्फ की परत होने की घोषणा की है। कौन से ग्रह पे? बृहस्पति के ग्रह पर, बृहस्पति ग्रह पर। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं दोस्तों। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप प्लीज इसको नोट करते हुए चले। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है, इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और अपने दोस्तों को बताएं इस चैनल के बारे में, ड्रीमर्स के बारे में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हांगकांग में लोकतंत्र समर्थकों के प्रति एकजुटता दिखाते हुए किस संसद ने सर्वसम्मति से हांगकांग मानवाधिकार एवं लोकतंत्र कानून पारित किया है? ऑप्शन नंबर ए चीनी संसद ने, ऑप्शन नंबर बी अमेरिकी संसद ने, ऑप्शन नंबर डी ऑस्ट्रेलियाई संसद ने, या फिर पाकिस्तानी संसद ने। जिसका सही आंसर है वो है दोस्तों नंबर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि खे ऑप्शन, अमेरिकी संसद ने जो ये कानून पारित किया है, अमेरिकी संसद ने किया है। दोस्तों एक बार पढ़ लेते हैं डिस्क्रिप्शन में अच्छी से। अमेरिकी संसद ने हाल ही में हांगकांग में लोकतंत्र समर्थकों के प्रति एकजुटता दिखाते हुए सर्वसम्मति से हांगकांग मानवाधिकार एवं लोकतंत्र कानून पारित किया है, जिसके तहत विदेश मंत्री को 4 वर्ष में कम से कम एक बार यह प्रमाणित करना होगा कि हांगकांग के पास अब भी इतनी स्वायत्तता है। तो दोस्तों किस किस कंट्री ने किया है? अमेरिकी संसद ने यह कानून पारित किया है हांगकांग के लिए। ऑप्शन नंबर खे इसका सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। दोस्तों रोज मैं करंट अफेयर्स की वीडियो लेके आता हूँ, आप जाके प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। आपको जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा प्लेलिस्ट का, करंट अफेयर की आप वहां से जाके चेक कर सकते हैं। अक्टूबर की करंट अफेयर भी आपको मिल जाएगी आने वाले एग्जाम्स के लिए। चलो क्वेश्चन नंबर 5 पे। कैबिनेट ने टेलीकॉम कंपनियों को राहत देते हुए स्पेक्ट्रम किस्त की भुगतान को कितने वर्ष के लिए टाल दिया गया है? एक बार पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को। कैबिनेट ने टेलीकॉम कंपनियों को राहत देते हुए स्पेक्ट्रम किस्त के भुगतान को कितने वर्ष तक टाल दिया गया है? ऑप्शन नंबर ए 2 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी 3 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी 4 वर्ष, या फिर ऑप्शन नंबर डी 5 वर्ष। इसका जो आंसर है वो आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, यानी कि 2 वर्ष के लिए टाल दिया गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा, यानी कि कै कै ऑप्शन का सही होगा। एक बार इसको पढ़ लेते हैं दोस्तों डिस्क्रिप्शन में क्या लिखा हुआ है, एक बार डिटेल में पढ़ लेते हैं थोड़ा ऊपर करके। कैबिनेट ने हाल ही में टेलीकॉम कंपनियों को राहत देते हुए, देख सकते हैं यहाँ पे, स्पेक्ट्रम किस्त की भुगतान को 2 वर्ष के लिए टाल दिया है। अब कंपनियों को 2020-21 और 21-22 के लिए स्पेक्ट्रम किस्त भुगतान से छूट मिल गई है। सरकार ने इस निर्णय से भारतीय एयरटेल, वोडाफोन आइडिया, रिलायंस जियो को 42,000 करोड़ रुपए की राहत मिली है। बहुत ज्यादा रकम है दोस्तों ये, तो ये कितनी छूट मिली है इनको? 42,000 करोड़ की। और कितने वर्ष के लिए टाल दिया है ये को? 2 वर्ष के लिए। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 2 वर्ष के लिए। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 पे। भारतीय शूटर मनु भाकर और इलावेनिल वालारिवन ने कितने मीटर एयर पिस्टल में ISSF वर्ल्ड कप फाइनल में गोल्ड मेडल जीता है? एक बार पढ़ लेते दोस्तों। भारतीय शूटर मनु कुमार और इलावेनिल वालारिवन ने कितने मीटर एयर पिस्टल में ISSF वर्ल्ड कप फाइनल में गोल्ड मेडल जीता है? ऑप्शन नंबर ए 10 मीटर, ऑप्शन नंबर बी 20 मीटर, ऑप्शन नंबर सी 40 मीटर, या फिर ऑप्शन नंबर डी 50 मीटर। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर के, यानी कि 10 मीटर, 10 मीटर इसका सही आंसर है। एक बार इसको डेस्क्रिप्शन में पढ़ लेते हैं डिटेल से। भारतीय शूटर मनु भाकर इलावेनिल वालारिवन ने ISSF वर्ल्ड कप फाइनल में 10 मीटर एयर पिस्टल में गोल्ड मेडल जीता है। ISSF फाइनल में मनु कुमार ने जूनियर वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ते हुए 244.7 स्कोर हासिल करके गोल्ड मेडल जीता है। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि जो स्पोर्ट्स होते हैं उसमें तो क्वेश्चन जरूर बनता है, तो ये आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। प्लीज इस क्वेश्चन को जरूर याद करें, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। दोस्तों भारत में निशानेबाज दिव्यांश पंवार ने पुरुष वर्ग के 10 मीटर एयर पिस्टल राइफल में कौन सा मेडल जीता है? इसको आप याद रखेंगे, दिव्यांश पंवार। दोस्तों क्वेश्चन ऐसे भी बन जाता है जैसे कि आपको कोई खेल दे देगा
और पूछ लेगा कि जो ये दिव्यांश पवार है ये किस किस खेल से संबंधित है। तो किस खेल से दोस्तों? निशानेबाजी से। आप यहाँ से एक एक क्वेश्चन और बना सकते हैं। तो दोस्तों जिसने कितने कौन सा मेडल जीता है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए गोल्ड मेडल, ऑप्शन नंबर बी सिल्वर मेडल, ऑप्शन नंबर सी ब्रॉन्ज मेडल, या फिर गोल्ड और सिल्वर मेडल। तो जिसका सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर ए यानी कि गोल्ड मेडल इन्होंने जीता है 10 मीटर एयर पिस्टल में। दिव्यांश पवार ने इस नाम को आप याद रखेंगे, इसको निशानेबाजी से आप रिलेट कर लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन बनता है बोल देंगे कि आपको जो दिव्यांश पवार है किस खेल से संबंधित है, तो आपको पता होना चाहिए कि वो निशानेबाज है। एक बार इनको डिटेल्स में पढ़ लेते हैं दोस्तों। भारत के निशानेबाज दिव्यांश पवार ने पुरुष वर्ग के 10 मीटर एयर पिस्टल राइफल में फाइनल में 250.8 स्कोर के साथ गोल्ड मेडल जीता है। इस गोल्ड मेडल के साथ भारत 3 गोल्ड मेडल जीतकर अंक तालिका में पहले स्थान पर पहुंच गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आप इसको नोट कर ले अपनी नोटबुक में और साथ के साथ आप इनको याद कर ले दोस्तों। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। अमेरिका ने हाल ही में किस देश को 7100 करोड़ रुपए कीमत वाली 13 MK 45 नौसैनिक तोप बेचने की मंजूरी दी है दोस्तों? एक बार पढ़ लेते दोस्तों। अमेरिका ने हाल ही में किस देश को 7100 करोड़ रुपए कीमत वाली 13 MK 45 नौसैनिक तोप बेचने की मंजूरी दी है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए जापान, ऑप्शन नंबर बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर बी रूस, या फिर ऑप्शन नंबर डी भारत। जिसका सही आंसर है वह दोस्तों आखिरी ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी यानी कि भारत को। एक बार इसको डिटेल से पढ़ लेते हैं दोस्तों। अमेरिका ने हाल ही में भारत को 7100 करोड़ रुपए की कीमत वाली 13 MK 45 नौसैनिक तोप बेचने को मंजूरी दे दी है। इन सभी तोपों को अमेरिकी रक्षा विभाग ने नौसैनिक ऑपरेशन के लिए तैयार किया है और भारत को इन सभी तोपों का अपग्रेडेड वर्जन सौंपा जाएगा। दोस्तों भारत बहुत ज्यादा इंपोर्ट करता है वीपन्स का, चाहे वो आर्मी के लिए हो, चाहे वो एयरफोर्स के लिए हो, या फिर नेवी के लिए हो। तो भारत वर्ल्ड में एक ऐसा कंट्री है जो कि सबसे ज्यादा वेपन्स एक्सपोर्ट करता है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। निम्न में से किस देश के प्रधानमंत्री सिंजो आबे अब तक सबसे अधिक समय तक प्रधानमंत्री पद पर रहने वाले व्यक्ति बन गए हैं? ऑप्शन नंबर ए जर्मनी, ऑप्शन नंबर बी इराक, ऑप्शन नंबर सी जापान, ऑप्शन नंबर डी इजराइल। इसका सही आंसर है दोस्तों, आपको पता भी होगा, ऑप्शन नंबर गए यानी कि सी ऑप्शन इसका सही है, जापान। जापान के प्रधानमंत्री है सिंजो आबे। आपने दोस्तों सुना भी होगा जो बुलेट ट्रेन इंडिया में आने वाली है, जो उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है इसको बनवाने में, तो जो जापान के प्रेसिडेंट है वो भी आए थे उस टाइम भारत में और उसका शिलान्यास किया था बुलेट ट्रेन का। तो दोस्तों एक बार इसको डिटेल में पढ़ लेते हैं। जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे अब तक सबसे अधिक समय तक प्रधानमंत्री पद पर रहने वाले व्यक्ति बन गए हैं। उनके नाम यह रिकॉर्ड दर्ज हो गया है। इन्होंने 52 वर्ष की उम्र में जापान के प्रधानमंत्री का पद संभाला था और वे 2887 दिनों तक पद पर रहे हैं। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही आने वाले एग्जाम से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों रोज मैं करंट अफेयर की वीडियो लाता हूँ, प्लीज आप उनको जरूर जाके जरूर देखें, अपनी करंट अफेयर को मजबूत करें। और दोस्तों मेरी बहुत सारी प्लेलिस्ट पड़ी है चैनल पे, आप जाके सभी को देख सकते हैं एक बार। और दोस्तों इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 10 चलते हैं। पाकिस्तान के तेज गेंदबाज नसीम सहा हाल ही में किस देश में टेस्ट डेब्यू करने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बन गए हैं? पाकिस्तान के तेज गेंदबाज नसीम सहा हाल ही में किस देश में टेस्ट डेब्यू करने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बन गए हैं? ऑप्शन नंबर ए पाकिस्तान, ऑप्शन नंबर बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर सी भारत, या फिर ऑप्शन नंबर डी अफगानिस्तान। जिसका सही आंसर है दोस्तों वो है ऑस्ट्रेलिया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। ऑस्ट्रेलिया में इन्होंने फर्स्ट डेब्यू किया है अपने फर्स्ट मैच का, नसीम शाह ने, जो कि सबसे युवा तेज गेंदबाज है दोस्तों। इवन के बारे में पढ़ लेते हैं डिटेल्स में। पाकिस्तान के तेज गेंदबाज नसीम शाह हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट डेब्यू करने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बन गए हैं। वे ऐसा करने वाले विश्व के 9वें युवा खिलाड़ी हैं। इससे पहले यह रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान, थोड़ा इस साइड में कर लेते दोस्तों, इयान क्रेन के नाम था, जिन्होंने 15 साल 279 दिन की उम्र में टेस्ट डेब्यू किया था।
इनसे भी कम इनकी आयु है दोस्तों, 15 साल से भी कम है। तो दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्पोर्ट्स से ये बन सकता है दोस्तों। तो दोस्तों ये 10 क्वेश्चन थे, आपको कैसे लगे प्लीज कमेंट करके बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ड्रीमर्स। तो दोस्तों इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, फॉलो करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें दोस्तों। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे कमेंट करके बताएं मुझे आपको ये वीडियो कैसी लगी, और रोज करंट अफेयर डाल लो, आप जाके चेक कर सकते हैं प्लेलिस्ट से। थैंक यू सो मच, बाय, सी यू अगेन।